देखिए अभी भी वहाँ पे गहमा गहमी चल रही है। सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने तैयारियाँ वहाँ पे शुरू कर दी थी। दरअसल चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही थी और मजबूत बैरिकेडिंग की जा रही थी। बैरिकेडिंग जब की जा रही थी तो वहाँ पे जो छात्र हैं, जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं, वो समझ गए थे कि अब पुलिस कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आ गई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त कटता गया, बैरिकेडिंग जब मजबूत कर दी गई, तो कुछ वहाँ पे सिविल ड्रेस में कुछ SOG और उत्तर प्रदेश पुलिस के यानी प्रयागराज पुलिस के लोग वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद छात्रों में से कुछ लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो, और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करते हुए इस बात की ताकीद की है। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का आंदोलन हो रहा है, चौथा दिन है। 5000 लोगों से सोमवार के सुबह 11 बजे से यह आंदोलन शुरू हुआ, आज चौथा दिन भी चल रहा है। धीरे धीरे ये 10, 15 और अब 20,000 से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पे आंदोलन लोग कर रहे हैं। अब सरकार, शासन और प्रशासन, ये लोग कह रहे हैं कि जो छात्र है वो शांतिपूर्वक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाहरी अराजक तत्व और पॉलिटिकल बायस्ड लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो अराजक तत्व वहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, जिससे वहाँ की स्थितियाँ बिगड़ रही हैं और कुछ अप्रत्याशित होने की आशंका है। इस बात को बेस बना करके वहाँ पे लोकल पुलिस यूनिट SOG और जो प्रशासनिक अमला है बैरिकेटिंग किया। बैरिकेटिंग के बाद वहाँ पे छात्रों को और जो भी उन्होंने जिन भी लोगों को डिटेक्ट किया उनको उठाने की कोशिश करने लगे। अब वहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई। जब गहमा गहमी बढ़ गई तो छात्र एक दूसरे के ऊपर लेटते हुए दिखाई दिए। संस्कृति IAS के कुछ वहाँ पे प्रोफेसर टीचर थे, वहाँ पे शिक्षक भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। जो छात्र अमला है वो ये कह रहा है कि ये खाने की व्यवस्था कर रहे थे। प्रशासनिक अमला कह रहा है कि ये लोग बैठ करके उस जो आंदोलन है, छात्र आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो पार्ट है दोनों पक्षों का, एक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका, जो कह रहे हैं कि वो लोग खाने की व्यवस्था कर रहे थे, वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर रहे थे, उनको कोई सुख सुविधाओं को देने की व्यवस्था कर रहे थे, ताकि जो प्रोटेस्ट कर्मी हैं, जो प्रोटेस्ट करते हुए छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको कोई समस्या ना हो। वहीं पर प्रशासनिक अमला ऐसे तमाम लोगों को डिटेक्ट किया, फोटोग्राफी कराई, ड्रोन से फोटोज खींचे और वहां पे लोगों के बीच में सिविल ड्रेस में पहुंच करके लोगों को डिटेक्ट किया। उनका कहना है तमाम ऐसे पॉलिटिकल बायस्ड लोग हैं, तमाम ऐसे पॉलिटिकल लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं, तमाम ऐसे अराजक तत्व पहुँच रहे हैं जहाँ वहाँ पर अराजकता का माहौल बना रहे हैं और जिससे वहाँ पर अराजकता फैल रही है और स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। अभी दोनों पक्षों के बाद आज जब पुलिस वहाँ पर लोगों को उठाने पहुंची तो वहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई और उनको डिटेन किया जाने लगा। जो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उठा करके गाड़ियों में लेकर के जाने लगा। फिर बीच में एक मैसेज फिर कन्वे हुआ और सोशल मीडिया के जरिए, चूँकि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग की जा रही है, पल पल के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, पल पल की बातें शेयर की जा रही है, ये कहा गया तुरंत में ट्वीट करके कह दिया गया कि यहाँ पे पुरुष पुलिस है वो महिला छात्रों को डिटेन जबरदस्ती उनको पकड़ करके डिटेन करने की कोशिश कर रही है। तो अब तो एक बात आ गई, फिर उसके बाद तुरंत वहाँ पे DCP नगर, उन्होंने बयान, वहाँ के पुलिस अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्याप्त संख्या बल हमारा यहाँ पे महिलाओं की या चाहे पुरुषों की यहाँ पे मौजूद है और महिला अभ्यर्थियों को महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ही डिटेन किया जा रहा है, या फिर उनके पास वही लोग हैं, महिला के पास महिला ही है, पुरुष अभ्यर्थियों के पास पुरुष पुलिसकर्मी है। तो ये सब सारी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही है। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं तमाम अराजक तत्व यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तब इस तरीके से स्थितियाँ बिगड़ने की चांसेस में हम लोग कर रहे हैं। अब पहली बात, अगर ये प्रोटेस्ट जारी रहता है तो आप चारों तरफ बैरिकेटिंग करके जो भी वो उस प्रोटेस्ट में पहुंचेगा उनकी पहले जांच पड़ताल की जाएगी। अगर वो छात्र है तभी उनको एंट्री दी जा सकती है, अदरवाइज लोगों को वहां पे, अब जहां पे छात्र लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर जहां पे बैठ करके 24 घंटे लगातार अनवरत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अब बाहरी लोगों का जाना पुलिस वर्जित कर देगी। और जिसके चलते दो बातें आती है, एक तो वहाँ पर अराजकता नहीं फैलेगी, लेकिन छात्रों की अगर बात माने काजल, तो छात्र कह रहे हैं कि जब यहाँ पे बाहरी लोग कुछ भी लोग नहीं आएंगे तो ये बताइए हमको खाना कौन देने आएगा, हमको पानी देने कौन आएगा, क्या हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे थोड़ी बैठे हैं, हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, अगर कोई आकर के खाना खिला रहा है तो वो बाहरी कैसे हो गया। पुलिस कह रही है कि अगर बाहरी जाएंगे तो वहाँ पर अराजकता फैलेगी, इसलिए हम नहीं जाने देंगे। बैरिकेडिंग कर दिया, तमाम लोगों को उठा लिया गया। लेकिन अगर इस बात को ओवरऑल अगर देखा जाए, जो अभी तक की परिस्थितियाँ बनी हुई है वो ये परिस्थिति साफ तौर पे कह रही है कि अब प्रशासन इस मोड में आ गया है कि किसी तरीके से एन के प्रकरण
इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के चलते पूरे देश भर में किरकिरी हो रही है। दो राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर के खिंचाई की जा रही है। बजरंग पुनिया जो रेसलर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि यहाँ पे छात्र भटक रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड में जा करके चुनावी कसीदे पढ़ रहे हैं, देश प्रदेश की कसीदे पढ़ रहे हैं। जो अपने छात्रों को नहीं दे सकता कुछ, वो जा करके झारखंड में वहाँ की जनता को क्या देगा। अब इस तरीके की बातें आ रही है, जाहिर बात है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये माहौल बनेगा। जब अगर इस तरीके से माहौल बनेगा तो किरकिरी होगी, और किरकिरी होगी तो कहीं ना कहीं इसका गाज जो है प्रशासनिक अमलों पे फूटेगा। इसलिए प्रशासनिक अमला भी ये चाहता है कि ये प्रोटेस्ट बहुत हुआ, चार दिन बहुत बदनामी हुई, अब इसको रोका जाए। वहीं पे मुख्यमंत्री माफ करिएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एक के बाद एक आधा दर्जन छात्रों से रिलेटेड वो ट्वीट कर चुके हैं। इस दरमियान वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा और खुद मैं छात्रों के साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण पे भी अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। उनका कहना कि जो छात्र मांग कर रहे हैं, इस पे सोच करके निर्णय लेने वाली बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो इस तरीके से राजनीति इस मामले में कर रही है, वो उन्होंने एक जो कहावत कह करके उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सूप तो सूप बोले, चलनी भी बोल रही है जिसके 72 छेद। ये समाजवादी पार्टी पे तंज करते हुए इन्होंने इस ट्वीट को, इस कहावत को ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में छात्रों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ जो नहीं हुआ उनकी नौकरियों में, उनको जिंदगी में, उनके पढ़ाई लिखाई में। अब कोई और बोले तो बोले, इन छात्रों के लिए समाजवादी पार्टी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में वो ना ही बोले तो ठीक है। अब समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर छात्रों के साथ होने का दावा करते करते जो है वो इसी कड़ी में वो विपक्ष को भी घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात की बात करें तो काजल, अभी वहाँ पे गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। लगभग अगर हम बात करें तो 8:30 के लगभग से, हालांकि वहाँ पे हरकतें सवेरे 5-6 बजे से शुरू हो गया, बैरिकेडिंग करने में टाइम लगता है। और वहाँ पे जो छात्र थे, जो कि सुबह के वक्त में छात्र कुछ कम थे, रात भर जो छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, सवेरे चले जाते हैं वो फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए, और वो जब जाते हैं तो दूसरी शिफ्ट के छात्र जो रात में गए हुए होते हैं वो लोग वापस आते हैं। इस दरमियान बीच में थोड़ा सा जब गैप हुआ, कम छात्र थे, उस वक्त चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके इनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी छात्रों को नहीं हटा जा पाया गया है। और लेकिन इसमें प्रशासनिक अमला पहले तो इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा, लेकिन अब पक्ष रखा है, बोला है कि छात्रों को जो है गुमराह किया जा रहा है, छात्रों को बीच में कुछ अराजक तत्व पहुँच रहे हैं, जिससे ये जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, जो छात्र शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उग्रता में बदल रही है, वो उग्र हो रही है। ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, और बड़ा शांतिपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें रही है वो बड़ी गहमा गहमी की रही है। लाठियां नहीं चटकाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि पहले दिन पुलिस को लगा, वहाँ पे लोकल पुलिस यूनिट को लगा कि लाठियां चटका करके प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इधर एक तरफ लाठियां चटकी, दूसरी तरफ राजनीति शुरू हुआ, तीसरे तरफ वहाँ पे छात्रों का जमवाड़ा लगना शुरू हुआ। 5,000 से बढ़ते हुए छात्र 20,000, 22,000, 25,000 की संख्या में वहाँ पे लोग पहुँचने लगे। जब इतनी ज़्यादा संख्या पहुँचने लगी तो ये जो आंदोलन है और भी प्रौढ़ होता गया, लोगों का समर्थन भी होता गया, सरकार जवाबदेही के तौर पे सामने आना पड़ा उनको। लगातार डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य इसको लेकर के जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन निराकरण की अभी कोई भी स्थिति वहां पे नहीं बन पा रही है। जो जिलाधिकारी है सोमवार से लेकर के अभी तक पूरे मामले में बार वो छात्रों कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की भी एंट्री हो गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले का निराकरण क्या निकलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिये सिविल ड्रेस में पहुंचे यहाँ पर।